तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं VN ऐप से वीडियो एडिटिंग करना सिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो एडिटिंग बहुत लोग परेशान है, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम पे रील्स का ट्रेंड चल रहा है। तो कोई भी आदमी अगर रील्स बनाता है तो उसको एडिटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाके कहीं ना कहीं वो रील्स अच्छा बनता है। तो आज की इस वीडियो में कुछ इस टाइप का वीडियो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। तो पहले ये वीडियो देख लीजिए आप लोग, मैं एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस टाइप से वीडियो में एडिटिंग करना सिखाऊंगा आज की इस वीडियो में, ठीक है? तो ये है, और एक और वीडियो है वो भी मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। एक ये वाला वीडियो है, इसका ही ऐसे चलने वाला, तो काफ़ी अच्छा है ये वाला और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है देखने में। तो आज की इस वीडियो में इसी वीडियो का ट्यूटोरियल मैं लेके आया हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। उससे पहले आप लोग को बता दें कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है नेट को ऑन करके। इसमें दो एप्लीकेशन का आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगा, जो कि दोनों का मैं नाम बता देता हूँ, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। तो यहाँ पर आके सर्च करेंगे VN, ठीक है? VN एक एप्लीकेशन है, ठीक है? ये वाला एप्लीकेशन, जैसे कि आप लोग को पता है, VN वीडियो एडिटर, ठीक है? एक एप्लीकेशन ये है, इसको आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिएगा। और दूसरा एप्लीकेशन भी है, उसको भी मैं बता देता हूँ, दोनों एप्लीकेशन का ज़रूरत लगने वाला है। प्री इक्वल, ठीक है? प्री इक्वल एप्लीकेशन है, ये भी 126 MB के आसपास का होगा एप्लीकेशन, इसको भी आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। मैं दोनों को इंस्टॉल करके रख लिया हूँ, लोगो आप लोग को दिखा देता हूँ, यही है, आप लोग भी डाउनलोड कर लीजिएगा, तभी आप लोग एडिटिंग कर पाएंगे कुछ इस टाइप से वीडियो, ठीक है? तो वीडियो को अभी देखते रहिए, बहुत सारा चीज़ है जो कि डाउनलोड करना बाकी है, मैं इसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। सो फाइनली दोस्तों, अभी आ गए हम अपने होम स्क्रीन पे, और ओपन करना है अपना VN एप्लीकेशन, ठीक है? और यहाँ से डेटा को ऑन कर लेना है, ऑफ़ कर लेना है, ऑन था तो मैं यहाँ से ओपन कर चुका हूँ इसमें, ठीक है? और दोस्तों, ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्लस का एक आइकन मिल जाता है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिलता है, ठीक है? इस पर क्लिक करके और अपना एक वीडियो हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? तो इसमें से मैं वो वाला वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ जो हमको एडिट करना है, ठीक है दोस्तों? तो ये वाला वीडियो है, मैं इसी को ले लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ से डन कर लूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा ये वीडियो ओपन हो गया है, ठीक है? और वीडियो का सबसे पहले मैं साउंड को म्यूट कर लेता हूँ, क्योंकि साउंड इसमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और मैं एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप से मैंने स्लोमो इसको बनाया है। स्लोमो मैं पहले से ही रिकॉर्ड किया हूँ, अगर आपके मोबाइल में भी स्लोमो बनता होगा तो आप लोग बना सकते हैं, नहीं तो आप लोग यहाँ से भी स्लोमो बना सकते हैं। और भी मैं VN पे वीडियो बनाया हूँ, वो वीडियो आप लोग जाके देख लीजिए, आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा कि VN से कैसे स्लो करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, अब इसके बाद से क्या प्रोसेस है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है? इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और एक वीडियो ऐड करना है, वीडियो लेयर जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करेंगे और वो वाला हम वीडियो को ऐड करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है दोस्तों? तो वो वाला वीडियो ये रहा, इसको मैं ऐसे ओपन कर लूँगा, और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लोडिंग ले रहा, प्रोसेसिंग में है, आ गया, ठीक है ना? जस्ट इसी को हम ऐड करेंगे इस वीडियो में, ठीक है? तो देखिए, बताते हैं कैसे इसको हम ऐसे बड़ा करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर एक भी स्टेप मिस करते हैं तो आप लोग ऐसा बना नहीं पाएंगे। तो कुछ इस टाइप से इसको सबसे पहले तो हम लोग बड़ा कर लेंगे, ठीक है दोस्तों? बड़ा करेंगे और इतना पे हम इसको लगा लेंगे, ठीक है दोस्तों? और इसके बाद से इसको लास्ट में इसको स्लाइड करना है, और यहाँ पर एक मास्क नाम का एक ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है? मास्क नाम से रहेगा, इस पर क्लिक करके और सेकेंड नंबर पर जो ये ऑप्शन है, ठीक है, लाइनर, इसको क्लिक करना है और सिंपली इसको नीचे ऐसे लेके आना है, और जस्ट इतना पे छोड़ के थोड़ा सा और इतना पे, और जो नीचे वाला ये नीचे वाला एरो है, इसी को पकड़ के हमको नीचे की साइड में ऐसे खींचना है, ठीक है? और डन कर लेना है। सो इतना होने के बाद अभी देख सकते हैं, मैं एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप से दिखेगा, ठीक है? थोड़ा सा और इसको हम नीचे करेंगे, थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर हो गया है, ठीक है? नीचे कर दिए, एक बार और ऐसे प्ले कर लेते हैं, देख सकते हैं कुछ इस टाइप से प्ले हो रहा है, सेम इसी टाइप से प्ले होगा आपके भी फ़ोन में। और इस वाले लेयर, इसको थोड़ा सा हम लोग कट कर देंगे, ठीक है? वीडियो को इधर से कट कर देना है, क्योंकि इतना ही बड़ा वीडियो रहेगा, इससे बड़ा नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग इसको कट करके डिलीट कर देंगे। तो इतना होने के बाद देखिए, मैं चला के देखा, अभी देखिए मेरे मतलब बॉडी पे भी आ जा रहा है, जो पीछे इफेक्ट लगाए हैं वाला बॉडी पे भी आ जा रहा है, तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है?
तो इसको हम सही कैसे करेंगे, ये तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ठीक है। तो जो बॉडी पे आ रहा है उसको मैं सही करके बताऊँगा। तो अभी देखिए, सबसे पहले इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसका डुप्लीकेट बना लेना है, ठीक है। डुप्लीकेट बनाएंगे तो यहाँ पे, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे। और डुप्लीकेट पे क्लिक करने के बाद इधर लास्ट में जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है फॉरवर्ड का, ठीक है। सबसे लास्ट में फॉरवर्ड का ऑप्शन मिलता है, फॉरवर्ड पे क्लिक कर लेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं एक लेयर बन चुका है। इस वाले लेयर पे एक बार क्लिक करके फिर दोबारा से क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करके रखे रहेंगे। तो सॉरी दोस्तों, इसको बैक करते हैं, ठीक है। और इसको उठा के ऐसे ऊपर की साइड में और इधर ला लेना है, ठीक है। इधर जब लेके आएंगे तो देख सकते हैं सिंपल हो गया है। इसके बाद से हम इधर देखिए क्रोमा का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, क्रोमा, ठीक है। इसी पे क्लिक करेंगे, ध्यान से देखिए। और जो ये एक नया ऑप्शन खोल के आया है प्लस वाला, इसको हमको सही से पहले इधर एडजस्ट करना है, ठीक है। जितना पे इसका ही हमारा आ जाए, ठीक है, तो जितना पे सही हो जाए उतना ही पे इसको एडजस्ट करना है। तो मैं कर लेता हूँ एक बार। अच्छे से आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, इसको नीचे से डाउन कर देना है, इसको 50% इंक्रीज करना है, ज़्यादा नहीं। और अभी डन कर लेना है, ठीक है। अब देखिए मैं चला के दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं मतलब मेरे बॉडी पे नहीं आ रहा है और काफ़ी अच्छे से ये बन भी चुका है। तो यहाँ से हम इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो अभी हमारा वीडियो बन के रेडी हो चुका है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। और सिंपली इसको यहाँ पर शेयर करेंगे और यहाँ से आप लोग जितना 4K में चाहें, 2K में चाहें, 1080 पिक्सल जो भी हो आप लोग सेव कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मेरे में दिया है, ठीक है, हाई क्वालिटी में मैं सेव करके, और यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, वीडियो सेव होने लगा। देख सकते हैं यहाँ पे सेविंग का ऑप्शन आ गया, वीडियो सेव हो रहा है। तो कुछ इस टाइप से आप लोग अपने वीडियोज़ को बना सकते हैं। और एक और ज़रूरी बात कि इसमें जितना भी मैंने स्काई का इफेक्ट जो भी यूज़ किया वो आप लोग को कहाँ मिलेगा, तो वो आप लोग को मिलेगा, आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करके साइन इन कीजिए और उसमें सर्च कीजिएगा अलोन डिज़ाइन, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम सेम वही नाम है। तो आप लोग सर्च कीजिएगा, आप लोगों को उसमें मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग सर्च करेंगे तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। और ये वाला जो भी स्काई वाला इफेक्ट है मैं उसी में डाल दूंगा, आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोनों एप्लीकेशन जो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिला है, ये एप्लीकेशन आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया। तो यार दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फाइनली दोस्तों, आप लोगों ने जैसा कि देखा मैंने स्काई चेंज कर लिया वीडियो में। तो अभी प्री इक्वल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और जाके अपना एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेम उसी टाइप का वीडियो जिसको आप लोग एडिटिंग करना चाहते हैं, स्काई वाला इफेक्ट वाला। तो मान लीजिए मैं ये वाला वीडियो ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से, ठीक है, कुछ इस टाइप से है। और इस वीडियो में हम लोग वो वाला इफेक्ट ऐड करेंगे। इसमें भी मैंने सेम प्रोसेस जैसे बताया आप लोग वीडियो में, वैसे ही मैंने इसमें स्काई को ऐड किया है। और इसमें पीछे की साइड में वो लाइटिंग वाला इफेक्ट जो मैंने आप लोग को बताया है वो कहाँ से आएगा, वो आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है, जो थंबनेल पे मैंने दिखाया है। तो अगर उस टाइप का आप लोग बनाना चाहते हैं तो इसमें देखिए एक ऑप्शन, नेट अपना ऑन रखिएगा तभी आप लोग कर पाएंगे। और इस तरीके से कुछ आप लोग स्लाइड करेंगे अपने को तो इसमें ऑप्टिकल का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। ऑप्टिकल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे अभी खुल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा नेट फास्ट नहीं है मेरा, अभी ऑटोमेटिक आ जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो दोस्तों इसमें आने के बाद ऑप्टिकल में क्लिक करेंगे, ऑप्टिकल में क्लिक करेंगे तो एक ये वाला ऑप्शन मिल जाता है, ध्यान से देख लीजिए, जो स्टेलर करके लिखा हुआ है, ठीक है। इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, क्लिक करेंगे ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है जो कि वाइट वाला है, ठीक है। ये सेकेंड वाला ऑप्शन है, जो भी आप लोगों को मन करे वो रख सकते हैं, ठीक है। ये सेकेंड वाला में जो है कि कलर वाला है और इसमें सिर्फ वाइट आएगा, एकदम वाइट कलर, ठीक है। इसमें रेड कलर आ रहा है तो इसमें बस वाइट आएगा। तो आप लोग एक नंबर वाला कर लीजिएगा, मेरा नेट फास्ट नहीं है इसके लिए मैं एक नंबर वाला भी करके नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो बस यही है, तो यही था आज का एक छोटा सा वीडियो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।